कुछ कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे थे कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बता दी जाए। तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उनकी लिस्ट है, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें जॉब्स है, जिनमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपने ज्वाइन करना है। फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर, ये रहा येलो वाला एरिया अमृतसर का। ठीक, बड़ा करके दिखाता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, यहाँ रख लेते हैं। ओके, ये कहाँ चला गया, हाँ। सेकंड है गवर्नमेंट कॉलेज अजनाला डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, इसी में बॉर्डर एरिया में अजनाला है, वहाँ ये कॉलेज है। SGAD गवर्नमेंट कॉलेज तरन तारन, ये ग्रीन एरिया आप देख रहे हो अमृतसर के साथ अटैच्ड है, इधर जो बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का, वहाँ पर है तरन तारन। ये गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर, ये रहा गुरदासपुर, ब्लू वाला एरिया जो है गुरदासपुर का है। गवर्नमेंट GN कॉलेज काला अफगाना गुरदासपुर, सेम डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन बीच में एरिया जो है वो डिफरेंट है, आप डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए उसके मुताबिक आप लोकेशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर, ये मिड में रहा ग्रीन जलंधर, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर, ये दोनों कॉलेज सिटी में ही हैं, जलंधर के मिड में सिटी में ही हैं। GGS गवर्नमेंट कॉलेज जंडियाला जलंधर, ये जलंधर सिटी से लगभग 20 किलोमीटर एक साइड पर है जो नूरमहल की तरफ। ओके, नेक्स्ट है आपके ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ के लाडूकल रोड हो गया। NJSA गवर्नमेंट कॉलेज कपूरथला, दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज पुलथ कपूरथला। ये NJSA कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज है कपूरथला, ये कपूरथला यहाँ पड़ता है, कपूरथला सिटी में है, यहाँ होगा जलंधर, जलंधर ये रहा, ये येलो वाला पोर्शन ये है, ये कपूरथला का है, ये सेंटर में जो सिटी है वहाँ जे ये कॉलेज आपका है। वापस चलते हैं, ये रहा हमारा लिस्ट कहाँ गई, हाँ। तो जो दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज पुलथ कपूरथला, ये करतारपुर के पास है साइड में, पुलथ डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में है, लेकिन कपूरथला सिटी से कम ये होगा 24-25 किलोमीटर के करीब होगा ये कपूरथला सिटी से, ठीक है। ये थे कॉलेजेस जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से थे। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास हैं, ये रहे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एफिलेटेड जो है, बाबा श्री चंद जी गवर्नमेंट कॉलेज सरदारगढ़ मलोट रोड डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। बठिंडा रहा ये इधर बरनाला संगरूर मानसा, ये रहा रेड वाला एरिया, ये बठिंडा, यहाँ पर ये कॉलेज है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बिक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटियाला, ये पटियाला रहा, यहाँ आपको पता होगा, जो पंजाब वाले हैं उनको तो बताने की लोड़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ये पटियाला इधर बॉर्डर में साइड में लगता है। साथ में आ गए आपके गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली, ये मोहाली आपके पास, और ये रहा गवर्नमेंट कॉलेज रूपनगर जिसको रोपड़ भी बोलते हैं, रूपनगर हमें ये रहा, ये ग्रीन वाला देख रहे हैं थोड़ा सा, ये वाला एरिया, सॉरी, तो ये है आपका रूपनगर। गवर्नमेंट कॉलेज महिंद्रा पटियाला हो गया, गवर्नमेंट नहीं, ये रूपनगर गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला, ये पटियाला सिटी में ही है, सिटी यहाँ होगी लुधियाना संगरूर मानसा बठिंडा, ये रहा पटियाला, एरिया पटियाले का है। पटियाले के और भी कॉलेज आएंगे आगे। गवर्नमेंट शिवालिक कॉलेज नया नंगल कहाँ है, ये रूपनगर में है, ये इसी में है नया नंगल, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला संगरूर, ये मलेरकोटला संगरूर रहा, ये संगरूर ये वाला एरिया, यहाँ ये बरनाला इसके यहाँ पर है ये कॉलेज, ठीक। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट शिवालिक हो गया, दयालंगर गवर्नमेंट बारजिंद्रा कॉलेज फरीदकोट, गवर्नमेंट बारजिंद्रा कॉलेज फरीदकोट, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रही है दिवाली के कारण, फरीदकोट है, मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, फरीदकोट रहा, ये रहा ब्लू वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये फरीदकोट। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला संगरूर हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज डेरा बस्सी, डेरा बस्सी को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, ये रहा डेरा बस्सी का मैप निकाल रखा है मैंने, ये रहा डेरा बस्सी, ये जीरकपुर के पास है, जीरकपुर चंडीगढ़ के पास है, ये उसका मैप रहा। वापस चलते हैं यहाँ पर, और ये हमारा आ गया हुशियारपुर, इसको चलेंगे वापस, फिर आ जाएगा पंजाब, और ये रहा हमारा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, ये है गवर्नमेंट कॉलेज डेरा बस्सी हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला संगरूर, ठीक है ये भी बात हो चुकी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, दो कॉलेज हैं वहाँ, दोनों ही मैंने विजिट किए हैं। गवर्नमेंट संगरूर आपको बता दिया है ना कहाँ, ये रहा संगरूर, ये गवर्नमेंट कीर्ति कॉलेज न्याल पात्रा, ये पटियाला में होगा, ये हाँ डिस्ट्रिक्ट पटियाला, ठीक पटियाला इधर यहाँ पर है, लगभग यहाँ पर ये कॉलेज है। ओके, गवर्नमेंट रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा, ये रहा बठिंडा आपका, साथ में संगरूर न्यालंगर, बठिंडा कहाँ गया अभी, ये रहा रेड वाला एरिया बठिंडा, यहाँ कॉलेज है। और गवर्नमेंट रणबीर कॉलेज संगरूर, संगरूर पहले आपने देखा है, यहाँ पर होगा ये वाला एरिया ग्रीन, यहाँ यहाँ जाना है आपने सबने, अच्छा सबने चलो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, जो है दे रहा हूँ। गवर्नमेंट रिपुदमन कॉलेज नाभा, नाभा कहाँ है, यहाँ जाना पड़ेगा, ये रहा नाभा, ये नाभे को थोड़ा छोटा कर लें, ये पटियाला नाभा आप देख सकते हो, पटियाला से नाभा ये थोड़ा सा इधर को सरहंद है, ये राजपुरा है, और ये पटियाला के करीब है ये नाभा, ये कॉलेज यहाँ है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ जाना था ना, तो ये थे कॉलेजेस, यहाँ आपने जाना है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के, क्योंकि कॉलेजेस नहीं हैं, काफ़ी एरिया जो पंजाब का है वो कवर नहीं हुआ है, तो जो चंडीगढ़ के नज़दीक हैं वो कुछ कॉलेजेस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पढ़ते हैं, तो उनकी लिस्ट आपको दे दी गई है। एक यूजीसी नेट वालों के लिए उन्होंने कैसे एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, कैसे उन्होंने ध्यान रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन से कैसे डील करना है, टोटल क्वेश्चन जो टोटल अटेम्प्टेशन है उसका ख्याल कैसे रखना है, मेरे ख्याल में 8-10 वीडियोज़ होंगी, तो इतनी लंबी हो जाएगी अगर आपका टाइम नहीं है तो आपका स्टडी करने का, पर मेरे ख्याल में जो इम्पॉर्टेंट ओवरऑल अटेम्प्टेशन टोटल अटेम्प्टेशन की एक है, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन से कैसे डील करना है, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में आप ज़रूर देख लीजिए, बाकी अगर आपको ठीक लगे वो भी वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको फ़ायदा दे सकती है, तो मैं काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट आपको टीच नहीं कर सका, हाँ बीच में रिसर्च के जो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू होंगे उनकी एग्जांपल ज़रूर दूंगा, वो एग्जांपल आपको फ्रेश करेंगी, ताज़ा करेंगी, आपकी टेस्टिंग करेंगी, और कुछ नई नॉलेज भी थोड़ी थोड़ी साथ में देगी, और साथ में एक कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा एमसीक्यू का वो जो है ना 5 या 10 एमसीक्यू आपसे रोज़ पूछूं, जहाँ सुबह शाम 2 टाइम पूछूं, तो वो यूट्यूब वो तब अलाउ करती है जब वो सब्सक्राइबर 1000 हो जाएं, तो मैं फिर वीडियो बना के ही डालूँगा आपको, तो आप टेस्टिंग अपनी कर सकते हो, कोशिश करता हूँ जो कॉमन सब्जेक्ट हैं सभी के लिए हो सके वो कोशिश करूँगा। थैंक यू।